आदि मैं टीचर हूं, जिसको टीचर माना किसी को बताना है पहले एक घंटा अपन को पढ़ाए, अच्छी तरह से पढ़ाए तो मुख से अच्छा किसको सुना सकेंगे, नहीं तो सुना नहीं सकेंगे। शास्त्र सुनाना सहज है, ग्रंथ से पढ़ना सहज है, पर बाबा की बातें सुनाना सहज नहीं है, मुख से निकलेंगी नहीं जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है। और माया जीत बनने के लिए हिम्मत नहीं है, सच्ची दिल से भगवान को अपना बनाने के लिए दिल उनसे लगाई नहीं है। सच्ची दिल भगवान से लगाई नहीं है तो उसकी बात सुनाए कैसे। हाँ, ऐसे रास्ता दिखा सकते हैं, जाओ भले, तो खुद चल रहे हैं दूसरे को उसको चलता हुआ देख चलने लग पड़े, सिर्फ फॉलो करे चलो। तो आई बाबा वो सिखाएं दी है, सुनना क्या है बोलना क्या है। सुनने और सोचने पर सार ये हमारे जीवन का आधार है। सुनते हैं बाबा की बात, बाकी तो अच्छे है मैं कि सबके कान बहरे हो जाए पहले हमारे माफिक। अच्छे अच्छा है, बहरे है बहुत अच्छे है। बाबा की बात सुन सकते हैं, अच्छी तरह से सुन सकते हैं। वंडर बताऊं, इस वाई दो मूली मैं बिना ये डाल के सुनी थी, दो मूली ये लेटेस्ट जो दो तीन साल से नहीं सुनी थी। कुछ चाहिए कान में, हमारा जो कान में डालने वाला है ना बनारसी को वापस दे दिया है, मुझे नहीं चाहिए। डॉक्टर ने बना के दिया, नहीं चाहिए। मुझे अजब लग रहा था, अच्छी सुन रही पर क्यों डालूं, निकाल देती थी। कितना बाबा हमारी ख्याल रखता है, मन का भी रखता है, शरीर का भी रखता है, सबका रखता है। कुछ अपन को ख्याल करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है ना, ख्याल आवे क्यों। तो मुझे अच्छा लगता है बाबा के चार पोज, मैं 7:15 तक तो सुना लेती हूं, जाने वाले कुछ लेके भी जाए, कुछ अच्छा ऐसा लेके जाए जो पुरानी बात कल की बात जो वहां की थी ना फिर से वहां जाकर के न देखे न सोचे और सब उसमें परिवर्तन देखे। वो कहां से परिवर्तन हुआ, मधुबन से हुआ। कैसे हुआ, क्यों मधुबन में ठका हो गया बुद्धि को तो मुझे क्या करने का समय जा रहा है, मुझे क्या करने समय जा रहा है। बस ये बात जिसकी बुद्धि में ठका हुई ना वो ऐसे बाबा के हाथों में खिलौने जैसे आ जाता है, जैसे बाबा चलाए वैसे चलता है। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है, कई बार गुलजादा दादी को कहती हूं मेरा खिलौना बाबा है, मैं बाबा का खिलौना हूं। खिलौने से खेलते हैं, शिवा है बाबा, खिलौना है हमारे लिए, सुंदर सुनहरी जो देखे तो कैसे, वो कौन है हमारा। वैसे बच्चों, किसी को बच्चा नहीं होता है तो दिल दुखी होती है, क्योंकि बच्चे के बच्चों के बगैर किससे खेलूं, लाइफ समझे, बच्चे के बगैर लाइफ नहीं है। वैसे बाबा के बगैर लाइफ नहीं है, और बाबा के हम पर बच्चे खिलौने हैं, देख खुश होता है।
बाबा हमको देख खुश हो गए, ये है बहरा जाई। क्योंकि हम कहती थी कभी ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी कमाई से सदा खुश रहा है, 84 जन्म, अंतिम जन्म में भी अच्छा है, मैंने बाबा को बहुत देखा है। इन जैसा मनुष्य तन में कलयुग के जमाने में ऐसा कोई इंसान नहीं था। जमाना कलयुग का है, मनुष्य तन बाल बच्चों वाला, धंधा व्यापार करने वाला, परंतु इन जैसा कोई दिखाई नहीं। लौकिक में भी परिवार में नजदीक बाबा इन जैसा कोई नहीं। कलकत्ता में गई न्यू मार्केट में, बाबा जैसा दुकान किसका नहीं। बाबा जैसा सबसे व्यवहार किसी का नहीं, सबको अपना समझे बाबा को, बाबा हर एक को अपना समझे, हर एक समझे ये हमारा है। कब बाबा ने कहा ही नहीं ये मेरी दुकान के नौकर है। देखा कभी नहीं, बस बच्चे है, कोई चोरी कर नहीं सकता। बच्चा कुछ चाहिए तो बाबा से मांगो ना, झूठ बोल नहीं सकता, सुखी रहे। अभी हमारा क्या है, सब सुखी रहे, ब्रह्मा बाबा सब सुखी रहे, सच्चे सुखी रहे, अंदर के सुखी रहे, दुख का नाम निशान मेरे बच्चों में न हो। कल परसों किसको कहा था मैंने, दुखी होकर के बाबा को याद नहीं किया है। बाबा के रूम में जगह आंसू बहाऊं करूं, बाबा कहेगा क्यों आई हो मेरे रूम पर, प्रॉब्लम लेकर बाबा के पास जाऊं, कभी नहीं। तभी तो बाबा का प्यार आज दिन तक कभी मिलता है, वंडरफुल है। दादी का फोन आया सुबह को अहमदाबाद से, मेरे हाथ में मुरली, दादी के हाथ में मुरली है, विश्राम पर जा रही हूं, दादी विश्राम पर जा रही है। मैंने कहा ये ट्विंस का खेल है। मुरली में क्या है, वो मुझे सुना रही, मैं उसको सुना रही हूं। सारी उम्र ये किया है बहनों बहनों का, कितना मजे की लाइफ है। बाबा सवेरे सवेरे क्या करता है, बाबा कहता है बाबा को देखो, और किसी को देखने के बजाय तुम बाबा को देखो ना, औरों को देखने का आदत छोड़ो, बाबा को देखने की आदत डालो। इसलिए हर रूम में बाबा का फोटो रखा है, नहीं तो बाबा ने कहा था, मना किया था, बाबा का चित्र नहीं रखा। अभी हर रूम में बाबा का चित्र काहे के लिए है, ये आंखें किसके लिए है, कान किसके लिए है, बाबा को देखने के लिए, बाबा से सुनने के लिए, अब बाबा जैसा सोचने के लिए है। भाग्यवान वो जो बाबा जैसा सोचे। जो बाबा सुनाता है ना, सुना से बाबा इसको सुनाता है, जो अंदर से बाबा इसको सुनाता है बच्चा, पर ये विचार करता है अच्छी तरह से, विचार करके फिर अच्छी तरह से, फिर सारे दिन में जो अनुभव है ना वो सुनाता है। पर हम लोगों को पता है ये शिव बाबा सुना रहा है, ये ब्रह्मा बाबा सुना रहा है। मुरली सुनते सुनते अपने समझ में आता है ये मुरली में ये बाबा शिव बाबा के बोल रहा है, ये ब्रह्मा बाबा के बोल रहा है। कभी सुनते हो ऐसे ध्यान से मुरली, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये कहता है विचार समर्थन करना पड़ता है, ये समझता हूं चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा, ये चेंज बच्चा चेंज हो जाए ना ये क्या करता है, पर नहीं, पर कहता है ड्रामा में इसका पार्ट है, क्या करूं।
कम पदवाना होगा। फिर कहते नहीं नहीं बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करे ना। अभी ये कौन कह रहा है, माँ है ना, रगत जाती है ना, ड्रामा नादि बना बनाया है ना, पर संगम युग है ना, अब करना है ना, ये सविचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन माना गहराई में विचार में जाना, अंदर डीप जाना, भगवान क्या सुना रहा है उसी विचार करना। और कोई बात नहीं, बाबा ने कहा बाहर के बुक लिखने वाले बहुत होशियार होशियार है, वो पढ़ने लग पढ़ते कहते हैं ये बुक बड़ा अच्छा है, एक दो को सुनाते हैं बुक पढ़ने ले देते हैं। मैंने कभी बाहर वाले बुक को टच नहीं किया होगा, बड़ा अच्छा है तो पढ़ के देखना। लग गई बुद्धि उसमें, पर उन जैसा लिखने उन जैसा बोलने का कलम चलेगा, बोलने का सोचने का चलेगा नहीं। जो बाबा सुनाते हैं ना वो ही बड़ा डीप है, योग लगेगा सुनाने वाले से, नहीं तो योग लगेगा जिसने बुक लिखा है जो। तभी हम ऐसे मेले फलाना टीरा पॉजिटिव थिंग, ये मेरे को लगता है गड़बड़ शरबड़ है, सुनाने वाले बुद्धि चली जाती है, ये सुना बड़ा अच्छा है। और तुम क्या सुनाते हो, तुम बाबा जो सुनाता है वो सुनाओ ना, मिक्स अपना न करो, न मैं होशियार हूं न मैं डल हूं। या कहेंगे मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, या तो मैं तो इन जैसा तो नहीं कर सकती हूं ना। अरे इन जैसा थोड़ी कर सकते हैं, इन जैसा कोई किस जैसा कर नहीं सकता। कोई जिसका जो चाहे मैं इन जैसा करूं फालतू टाइम वेस्ट, पर बाबा जैसा कर सकते हैं अलाउ है। यही हमारे स्कूल में पास होना हो बाप को कॉपी करो, वैसे टीचर अलग किनारे हो जाता है परीक्षा के समय, हमारा टीचर मदद कर लेता है, चलो चलो इसके तुम्हारी इसी बुद्धि ठीक नहीं है ना, बेचारा मदद कर लेता है, मेरा बच्चा पास तो हो जावे। पर मेरे को याद तो किया, घबराया तो नहीं, पेपर देकर घबराया तो नहीं, आ पेपर बहुत कठिन आया है, नहीं घबराओ नहीं, तो टीचर को याद तो किया, पेपर में पास हो गया। अच्छा पढ़ाई दिमाग में नहीं बैठी, टीचर के लिए रिगार्ड तो रखो, वो दूर नहीं है मेरे से, देख रहा है मेरे को, उसको जब तक घर वापस जाए तब तक हमको मदद कर रहा है। तो बाबा कैसा हमको पढ़ाता है, कितना कल्याणकारी बाबा है, इस बात को भूल और बात के चक्कर में आना या किसके साथ टक्कर खाना, ये अपनी बुद्धि की शक्ति खत्म करना। दो बातें हैं, या किसी के चक्कर प्रभाव में आ गए बस, या किसी के साथ टक्कर खाया ना, तो सिंधी में कहते हैं, अबे वो हिंदी कैसे सुनाओ, देगरा कुन्ने को लगे, तो भी कुन्ना मिठा मुठा, यार बेचारे उसके लिए मुसीबत, कुन्ना देगरे को लगे टूटेगा कौन, पतीले को मट्टी का बर्तन लगे टूटेगा कौन, वो उनको लगे या वो उनके लगे। टक्कर खाना माना अपने दिल को तोड़ना, तो ऐसा कच्चा मट्टी का खेल दो रही हूं। टक्कर में कभी नहीं आना चाहिए, किसके साथ भी टक्कर में आना माना अपने दिल को टुकड़ा 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 कर देना, वो दिल जुटरी नहीं, रोने में रह नहीं सकेंगे।
कितना आंसू पोंछने के लिए 10 रुमाल भी खलास कर दो, आंसू पोंछ नहीं सकेंगे, बाबा उसको क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, परिवार में भी कोई अपना नहीं लगेगा, बाबा भी पता नहीं परमधाम निवासी या व्यक्तिपतन बैठा है, बाबा कहते बाबा को वो लेना देते हैं, मेरा बाबा समय से ओ बाबा न को मेरा बाबा प्यारा बाबा। किसी के साथ भी बुद्धि का टक्कर हुआ तो नुकसान अपन को ही होगा, जिसके साथ हुआ उसको नहीं होगा, हमको होगा। इसलिए अपना ऐसा बाबा हमेशा कहते थे अपने सिर का ख्याल रखो, दिल दिमाग दोनों आपस में इकट्ठे हैं, दिल यहां है दिमाग यहां है, दिल साफ है दिमाग ठंडा है, स्वभाव सरल है सफलता साथ है। अच्छी अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं अच्छा जीने के लिए। तो हमने तो बाबा से जन्मते ही बाबा के पास आते ही कभी भी आंख से दुख का आंसू नहीं बहाया है, इसलिए बाबा ने बड़ी दिल से पालना दी है, पराया है, पास अंदर में आने के लिए लायक बनाया है, बनाया तो उसने है। नशा है हम साधारण बात नंबर नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ वैजंती वाला में नहीं आना है, पास अंदर में आना है। हमारा अंदर क्या कहता है, बाबा यहां ड्रामा यहां हरे का पार अच्छा है, कोई खराब नहीं है, कौन है खराब या कौन है, संपूर्ण कोई बना नहीं है, बन जाएंगे हम ही तो बनेंगे, जरूर बनेंगे, टाइम के पहले बन करके बाबा के सामने हाजिर होंगे, ऐसे नहीं है टाइम पर है, टाइम के पहले बन करके बाबा के सामने हाजिर होंगे, दरवाजा खुले पहले हम जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली, मुक्ति का गेट पीछे खुलेगा, पहले तुम जीवन मुक्ति में आओ, मुक्ति का गेट सब कुछ तो मुक्ति धाम में जाएंगे, तुम सीधा ऊपर से जीवन मुक्ति में आएंगे, और कोई जीवन मुक्ति में नहीं आते हैं। अब तुम जीवन बंधन मुक्त जीवन मुक्त रहो, बंधन मुक्त जीवन मुक्त रहो, तो मुक्ति का गेट खुले, सब आत्माएं आराम से यहां के दुख की दुनिया से छुट्टी लेके चले जाए। तो ये बातें विचार सागर में समित होनी चाहिए था, ज्ञान सागर बाप मिला है, ब्रह्मा बाबा इतना साक्षात स्वरूप हमने सामने मिला है, कैसे करो करके दिखला रहा है, सच्चा परमात्मा बाप है तो सच सकला रहा है, तो झूठी बातें बुद्धि में रखे क्यों, झूठ को अंदर से निकाल के फेंक देना है। जो बाबा का किचरे को सफा करो, कल क्या बोला, किचरे को सफा करो, और इतना भी किचरा न रहे अंदर तो कहेंगे बिल्कुल वंडरफुल है, ये बड़ा साफ दिल वाला है, सदाई सच बोलता है, इसके चेहरे पर सदाई चमक है, आंखों में दया और स्नेह है, वो तब होगा जब हमको क्या करने का है और अब क्या करने का है, बस ये याद रखा, हमको क्या करने का है अब क्या करने का है, बग लास्ट ईयर की ये बात, फलान साल की ये बात, टीचर की ये बात, अब वही करेंगे जो 2 साल पर 10 साल पर एक बार याद करेंगे।
अब वही करना है, फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये अपने आप को अपना ही मित्र मान, अपना शत्रु नहीं बन रहा है, अपना मित्र मानना, जानना, अब बाबा को अपना मित्र बनाना, साथी बनाना, और जो बाबा के सामने आए वो भी बाबा का बन जाए, सदा बन के रहे, ये सेवा है। सदा जहां का दबर ये सेवा है, यज्ञ बड़ा है, सेवा बहुत है।